संभल में एक दारोगा का छात्र को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दारोगा ने एक छात्र नेता युवती को अगवा कर पहले बेटे से दुष्कर्म कराया और उसके बाद दारोगा ने खुद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पूर्व में दारोगा पर सरकारी रिवॉल्वर और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गायब करने का आरोप भी है। वहीं युवती ने बताया कि दारोगा उसे बंधक बनाकर पिछले काफी समय से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता आ रहा है। उसके बाद वो मुरादाबाद ले गए थे, मुझे वहाँ भी रखा था बंदी बना के साथ। और कितने लोग थे? कितने लोग थे? वो चार, देवेंद्र यादव, राकेश यादव, विकास यादव, उषा यादव। अच्छा, ये भी यादवीर यादव, पांच लोग थे। अच्छा, कितने दिन तक क्या ये बदतमीजी करते रहे? ये 30 जुलाई से करते रहे। कहाँ कहाँ ले गए आपको? 8 दिन रखा मुरादाबाद, उसके बाद देहरादून रखा था 15 दिन, वहां से आने के बाद। वहीं सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस, अधिकारियों ने दारोगा को हिरासत में ले लिया। इससे पूर्व जो पिस्टल गुम हुई थी उसमें भी एक 240 कैम नंबर हरनगर में कायम हुआ था, जिसमें इन्होंने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। और उसके उपरांत कल गीता यादव नाम की लड़की ने इनके देवेंद्र यादव पर और इनके परिजनों पर और इनके पुत्र पर एक संगीन आरोप का अभियोग दर्ज कराया है। इन दोनों अभियोग में मुकदमा अपराध संख्या 456 और मुकदमा अपराध संख्या 662 में इनको कल थाना हयातनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।